नमस्कार किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मिनी ट्रैक्टर, आपने मिनी ट्रैक्टर तो काफी सुना भी होगा, कई खरीदे भी होंगे, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए, इसके पीछे क्या क्या रीजन रहते हैं वो सारी आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज मिनी ट्रैक्टर, वो 110% सक्सेस होगा। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। जी नमस्कार जी, थैंक यू। मेरा नाम है जगदीश जी और मैं ग्रीनलैंड कंपनी से बिलोंग करता हूँ जी। तो ये आप देख सकते हो, ये दोनों मशीन अभी पड़ी हुई है, 3 व्हील मिनी ट्रैक्टर इसको बोलते हैं। जो कंपनी ने इसका नाम दिया है बिग बुल, बड़ा बेल। जी बड़ा बेल। हाँ। क्योंकि ये इसकी ताकत भी ऐसी है बेल जैसी और बहुत बढ़िया काम देता है। जी तो आपके ये दोनों जो बिग बुल हैं, जी वो हमारे किसानों की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं? ये किसानों, छोटे किसान है कोई जो बड़ी मशीन नहीं ले सकते, ट्रैक्टर वगैरह नहीं ले सकते, उसके लिए कंपनी ने बनाया है कल्टीवेशन के लिए, वो चाप कटर लगाने के लिए। अच्छा। ये सारे काम में किसान भाइयों को यूज में आ जाएगा। जो छोटे किसान है स्पेशली उसके लिए बनाया हुआ है, क्योंकि वो बड़ी मशीन तो ले नहीं सकते, तो उसके लिए बहुत अच्छी मशीन बनाई है कंपनी ने। यानी कि अभी जैसे निराई गुड़ाई का टाइम चल रहा है, निराई गुड़ाई भी हो जाएगी इसमें? जी सर, इसमें सब हो जाएगा। जी, इसमें कल्टीवेशन हो जाएगी, ये चाप कटर वगैरह लगा सकते हैं, रोटावेटर भी इसमें लग जाएगा। अच्छा जी सर। जी। तो अपन बात करते हैं इनके फीचर्स की। जी सर, क्या ऐसे फीचर्स दिए हैं जिससे यानी कि किसानों की हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है इससे? इसके फीचर की बात करें तो कंपनी ने इसके पहले हेडलाइट दी गई है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो रात में भी अगर काम करना हो या तो दूसरी जगह पे ले जाना हो रात को, तो भी ये काम आ जाएगा। इंजन जो इसमें दिया गया है 10 HP का, जी बहुत अच्छी क्वालिटी का। और सीट की बात करें तो सीट अच्छी क्वालिटी की दी गई, जो कंफर्टेबल सीट है, बहुत किसान भाई बैठ के आराम से चला सकते हैं। और कैनोपी की बात करें तो ये छाता भी दिया गया, ताकि धूप से बारिश वगैरह है तो वो यूज हो जाएगा। और इसमें इंजन में क्या ऐसा खास दिया है? मतलब सर, इंजन ये ग्रीव्स कंपनी का डीजल इंजन दिया गया है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जो 10 HP का इंजन दिया गया, जो बहुत पावरफुल काम करेगा। 1 घंटे में कितना खपत हो जाता है ये? 1 घंटे में सर 1 लीटर डीजल की खपत करता है। और उसके बाद में अगर अपन गियर की बात करते हैं, गियर में क्या क्या इसमें स्पेशल दिया है? सर गियर में इसमें स्पेशल दिया गया कि 3 गियर दिए गए हैं, और उधर की साइड बात करें तो हाईलो की सुविधा दी गई है। हाईलो में क्या होता है कि अगर कोई किसान भाई को हाई में चलाना हो तो हाई में चला सकते, लो में चले तो लो में चला सकते। और रिवर्स की बात करें तो रिवर्स हम इधर कोई भी गियर में रिवर्स ले सकते, जैसे कि पहले गियर में है तो भी रिवर्स ले सकते, दूसरे गियर में है तो भी रिवर्स लग सकते, क्योंकि किसान भाई को ये चेंज करना नहीं पड़ेगा। अगर तीसरे गियर में है तो भी वो रिवर्स ले सकते हैं। अगर अपन इसमें लिफ्ट की बात करते हैं, क्या लिफ्ट की सुविधा भी है इसमें? जी सर, पीछे हाइड्रोलिक सिलेंडर दिया गया है, तो उससे कोई भी इम्प्लीमेंट पीछे लगाएंगे तो वो ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट की बात करते हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंट लगा सकते हैं अपन? सर इसमें चाप कटर हम यूज कर सकते हैं, जो PTO सिस्टम दिया गया है, तो उसकी वजह से हम चाप कटर यूज कर सकते हैं, स्पेयर पंप यूज कर सकते हैं, मिनी रोटावेटर यूज कर सकते हैं, बाकी कल्टीवेशन के लिए भी हम इम्प्लीमेंट काफी सारे इसमें लगा सकते हैं। और उसके बाद में जैसे आपने कह रहे कि हमने बिल्कुल अलग किया है इसमें, जी सर, तो क्या ऐसा स्पेशल किया आपने जो मतलब लोगों को काफी ये पसंद आता है? स्पेशल की बात करें सर तो एक तो इसका गियर बॉक्स की बात करें, जो गियर बॉक्स है वो कंपनी में ही मैन्युफैक्चर होता है, बाहर से लेके हम इसमें यूज नहीं करते, वो कंपनी में ही मैन्युफैक्चर होता है, तो इसका बहुत लॉन्ग आयुष्य रहेगा इसका। अच्छा, यानी कि अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये टायर इसमें है और वो टायर भी इस टाइप में है, अगर हमें चाहिए कि टायर को और दूर करना है या पास में लेना है तो क्या आप सुविधा देते हैं? कि वो अकेला ही एक किसान ही चेंज कर सकता है। अच्छा। इसमें कोई भी हाइड्रोलिक जैक की यूज जरूर नहीं पड़ेगी। अच्छा। जी सर, वो भी हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये है 4 व्हील, जी सर, और इधर ये है 3 व्हील, तो क्या हम 4 व्हील को भी 3 व्हील कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल सर, इसमें ये यही थोड़ा चेंज करना है, ये 2 यहाँ पे 4 व्हील वगैरह लगा हुआ है, तो ये निकाल के वो हम यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो सिंगल व्हील के लिए भी ये दिया गया है। जी, यानी कि जैसे मतलब अपन को आवश्यकता है उस हिसाब से इसको जैसे जरूर है वैसे हम कर सकते हैं। और यहाँ से भी अगर कोई परचेज करना चाहे तो 3 व्हील भी उपलब्ध है और 4 व्हील भी उपलब्ध रहेगा यहाँ पे। जी सर,
क्या इन बिग बुल पर आप वारंटी गारंटी भी देते हैं? जी सर, इसमें इंजन और गियरबॉक्स की वारंटी देती है 1 ईयर की सर जी। अब खरीदने की क्या प्रोसेस रहेगी? खरीदने में सर, अगर कहीं पे भी किसान है तो नज़दीकी डीलर से संपर्क कर सकते हैं, और कंपनी के नंबर भी डिस्प्ले पर दिए गए हैं, तो वो नंबर पे कॉल करके अपने नज़दीकी डीलर के संपर्क कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी है सर। जी जी जी। तो किसान साथियों, आपने देखा है दोनों ही बिग बुल की क्या क्या विशेषताएं हैं, और आप अगर छोटे किसान हैं या फिर बड़े किसान हैं तो आप दोनों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो जो ग्रीनलैंड के जो आसपास के आपके डीलर हैं उनसे आप खरीद सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन संपर्क करके भी खरीद सकते हैं। आपको ये बिग बुल कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइए, और आपका कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके हमारा सपोर्ट करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।